हेलो स्टूडेंट्स, स्टडे वी हैव स्टार्ट द चैप्टर नंबर 12 ओके एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एयर मीन्स हवा। वी नो एयर इज ऑल अराउंड अस। ओके, वेयर इज एयर मीन्स हवा कहाँ है, हवा कहाँ है। एयर इज ऑल अराउंड अस, हवा जो है हर जगह होती है, हवा हर जगह है। वी ऑल्सो नो एयर कंटेन द वाटर वेपर स्मोक डस्ट एंड जर्म। और हम जानते हैं कि वाटर में, एयर में और क्या होता है, एक वाटर होता है मीन्स वाटर वेपर, स्मोक होते हैं, डस्ट होते हैं और जर्म होते हैं। अराउंड द अर्थ मीन्स अर्थ के चारों ओर, अराउंड द अर्थ इज ए थिक लेयर ऑफ एयर। ठीक है, अराउंड द अर्थ मीन्स अर्थ के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर एक जो है एयर की जो एक मोटी लेयर होती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड ए विंड। व्हाट इज ए विंड, व्हाट इज ए विंड, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ए विंड, आप कहोगे मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। फास्ट एंड स्ट्रांग विंड्स कैन कॉजेज अ स्टोर। स्टोर मीन्स क्या होता है, आंधी, एस टी ओ आर एम, स्टोर मीन्स आंधी। जब बहुत तेज़ी से हवा चलती है, ठीक है, बहुत तेज़ी से जब चलती है, ठीक है, पेड़ वगैरह गिर जाते हैं, तब क्या कहते हैं इसको, स्टॉर्म कहते हैं, आंधी कहते हैं। लेट अस नाउ रीड अबाउट एयर करेंट्स। अब हम एयर करेंट्स के बारे में रीड करेंगे। हॉट एंड कोल्ड एयर मतलब गर्म और ठंडी हवा। हॉट एंड कोल्ड एयर का मतलब गर्म और ठंडी हवा। टू लर्न अबाउट एयर करेंट्स वी नीड टू द नो हाउ हॉट एंड कोल्ड एयर। हमें जो है एयर करेंट्स के बारे में जो पढ़ने से पहले हमें क्या जानना चाहिए कि हॉट एंड कोल्ड एयर, कि गर्म हवा और ठंडी हवाएं कैसे मूव करती हैं, ये हवा कैसे जो है चलती हैं। लाइट ए कैंडल, लाइट ए कैंडल एक्टिविटी नंबर 1 है। ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो बट केयरफुल होकर के। लाइट अ कैंडल, जब आप एक कैंडल को जलाते हो या मीन्स या एक कैंडल को आप जलाइए, एक मोमबत्ती को आप जलाइए घर पे, एक्टिविटी है कर लेना, एक मोमबत्ती को जलाइए। होल्ड इट इन द डिफरेंट पोजीशन एज शोन इन द फिगर। इसको आप जो है जैसे फिगर में दिया गया, एक बार इसको इस तरह से पकड़ना है, ऐसे करके मोमबत्ती ऐसे होनी चाहिए, एक बार इसी कैंडल को ऐसे पकड़ना चाहिए जैसे फिगर देख, ऐसे होना चाहिए, फिर एक बार ऐसे होना चाहिए जैसे पकड़ो, एक बार कैंडल को नीचे कर दीजिए। ठीक है, तो वॉच इट्स फ्लेम, फ्लेम मतलब जो ये जल रहा है, जो इसकी ज्वाला है, जो इसकी लौ है, इसको आप वॉच करिए, ये कैसे जल रहा है, ये कैसे जल रहा है, ये कितना तेज जल रहा है, ये देखिए कैसे जल रहा है और ये कैसे जल रहा है। डज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लेम चेंज, क्या उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, मीन्स यहाँ पे किया तो आप ऊपर ये जल रहा है, क्या इसमें किए तो ये नीचे चलने लगा, नहीं। ठीक है, तो डज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लेम चेंज एज यू टिल्ट द कैंडल, जब आप उसको कैंडल को झुकाए हो, ठीक है, कि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, मीन्स जो ये जल रहा है इसे वो देखिए, कैंडल तो चेंज हुआ लेकिन डायरेक्शन जो इसका जलने का है लेकिन वो चेंज नहीं हुआ है, ये देख रहा हो ऊपर है तो ये भी ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर है, चेंज नहीं हुआ है, आप फिगर में देख सकते हो। द कैंडल फ्लेम ऑलवेज बर्न अपवर्ड, जो कैंडल का जो फ्लेम होगा जब भी जलेगा तो वो क्या ऊपर ही जाएगा। ओके, ये हो गया आपका एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 2 देखिए आपको क्या करना है। एक्टिविटी नंबर 2, ब्रिंग योर हैंड क्लोज टू द साइड ऑफ द फ्लेम। फर्स्ट, पहले आपको ये कैंडल जैसे जल रही है तो आप अपना हैंड ऐसे करोगे, ऐसे जिस तरह से किया गया है देखिए, ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे करोगे। यू विल फाइंड दैट द एयर बाय द साइड ऑफ द फ्लेम इज नॉट एज हॉट एज एयर द एवर। ठीक है, आप क्या फाइंड करोगे, दैट द एयर, यू विल फाइंड, आप क्या फाइंड करोगे, दैट द एयर, जो एयर है बाय द साइड ऑफ द फ्लेम, जो फ्लेम के साइड में है, इज नॉट मतलब नहीं है हॉट एज द एयर एबव। ठीक है, हॉट नहीं है, गर्म नहीं है। इट प्रूव दैट हॉट एयर राइजेज। ठीक है, साइड में मतलब अगर आप साइड में देखोगे तो जो है गर्म नहीं होगा, साइड में अगर आप देखोगे तो उसके जो है गर्म जो आपको नहीं लगेगा, जो हवा होगा गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो वाई डज हॉट एयर राइज, इससे क्या प्रूव हो रहा है कि जो एयर है वो जो है साइड में नहीं है, मतलब इसका मतलब साइड में नहीं जा रहा है। लेट अस सी वाई, देखिए और ऐसा क्यों हो रहा है।
अब फिर यहाँ पे देखिए, हॉट एयर ऑलवेज राइजेज अप मीन्स जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर की ओर ही जाती है। अगर आप फिर अपना हैंड ऊपर लगाओगे जैसे यहाँ पे किया गया है तो आप देखोगे तो आपको गर्म हवा जो है लगेगी, मीन्स आपका हाथ गर्म होने लगेगा, आपको जो है गर्म होने लगेगा, जो हवा रहेगी वो गर्म रहेगी, जिसका मतलब क्या हो गया, जो हॉट एयर होती है वो हमेशा ऊपर जाती है। हॉट एयर मीन्स गर्म हवा ऊपर जाती है और जो कूल एयर होती है वो नीचे रहती है। ठीक है, अब उसके बाद जो है एक्टिविटी नंबर जो है एक्टिविटी नंबर थ्री हम पढ़ेंगे। टेक ए कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड लेना है, वुडन का बॉक्स लेना है विथ ए ग्लास फ्रंट, ठीक है फ्रंट ग्लास, फिर टू वाइट्स ग्लास ट्यूब्स इन द होल एट द टॉप टू द फॉर्म चिमनी, पुट ए स्मॉल लाइटेड कैंडल बिलो, फिगर आप देखिएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। वन ऑफ द चिमनी होल्ड ए सोल्डरिंग पीस ऑफ पेपर एट द टॉप ऑफ द अदर चिमनी, सी व्हाट हैपेंस, सी आप देखिए व्हाट हैपेंस, द एयर एबव द कैंडल गेट हीटेड एंड द बिकम लाइटर, इट राइजेज अप, क्या होगा ये राइज मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। ओके, द स्मोक फ्रॉम द सोल्डरिंग पेपर रशेस इन टू द बॉक्स टू द टेक द प्लेस ऑफ द वार्म एयर, दस एयर करंट आर सेट अप, दस द एयर करंट आर सेट अप, ओके फॉर्मेशन ऑफ द एयर करंट, फॉर्मेशन ऑफ द एयर करंट कैसे हो रहा आप फिगर आप देख सकते हो। अब उसके बाद आएगा लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, ये आपको जो है नेक्स्ट डे आपको बताया जाएगा। थैंक यू।